राजा नाश्ता कर ले। चलो बेटा जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। शाबाश। मम्मा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। नाश्ता कर लिया तूने? जी अम्मी। चलो आ जाइए ले। ये ले पकड़। चले अम्मी मैं चलता हूँ। हाँ खुदा हाफिज। जा बेटा, ये लो अपनी पॉकेट मनी। और हाँ, उल्टी सीधी चीज नहीं खा रही है। ठीक है पापा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाक सरजमीन शाद बाद, ईश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। और सुन साजदा, तेरी कमेटी के पैसे जमा हो गए हैं, आकर ले जा जल्दी से। अरे वाह खाला, क्या खूब खबर सुनाई है। बस अभी कुछ देर में निकलती हूँ। हाँ अब तो तू दौड़ी दौड़ी आएगी। जब भरवाने होते थे ना तो हमारे चक्कर लगवाती थी। बस कर दें खाला, अब छोड़ें भी, जैसे तैसे करके कमेटी तो ख़त्म हुई ना, मेरी भी जान छूटी और आपकी भी। हाँ चल जल्दी से आ जा, मुझे बाजार भी जाना है। हाँ हाँ बस अभी निकली, खुदा हाफिज। यार आजकल स्कूल में बड़ा शोर हो रहा है, खैरियत तो है? यार तुम्हें नहीं पता 14 अगस्त आने वाली है, बस इसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और इस दफ़ा मैं कायदे आज़म का रोल प्ले कर रहा हूँ। कायदे आज़म बनोगे तुम? हाँ ना भाई, टेबलो भी होगा और तकरीर भी होगी। कैसे बनोगे कायदे आज़म, क्या कहोगे? मेरे पास कायदे आज़म जैसा सूट भी है और मैं उनकी तरह कहूँगा, काम काम और सिर्फ काम। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। यार तुम तो बिल्कुल सियासतदानों की तरह बोल रहे हो, कायदे आज़म भी ऐसे बोलते होंगे? अरे हाँ भाई, मैंने इंटरनेट पर उनकी वीडियो देखी थी, वो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे थे। वाकई? और क्या क्या होगा? गेम खेले जाएंगे, कौमी नग में पड़े जाएंगे और तो और टाइप भी बटेंगे। बहुत मज़ा आएगा फिर तो। चलो यार मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा। तनवीर बोल, क्या हुआ है? काम तो छोड़ो पहले, जब भी तो बोलूँ ना। हाँ बोल, क्या है? अम्मा पुणे में झंडे का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। पागल तो नहीं हो गया?
जो काम कर रहा है ना बस वही कर। अम्मा मैंने सब पता कर लिया है, 5,000 तक लग जाएगा स्टॉल, 500 रुपए पुलिस वालों को दूंगा, काम चल पड़ेगा और 2-3 हजार तो इकट्ठे बच भी जाएंगे। ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई है? किसी ने नहीं पढ़ाई अम्मा, मैं खुद देख कर आया हूँ और ज्यादा काम करूंगा मैं तभी तो बड़ा आदमी बनूंगा ना। देख तनवीर, स्कूल के बाहर छोले बेचने में कम लागत आती है, रोज का 500 का खर्चा है, 200 रुपए बच जाते हैं, बस ठीक है। लेकिन मैं कर सकता हूँ ना अम्मा, दोनों काम कर सकता हूँ और इकट्ठे पैसे भी बच जाएंगे। तो इकट्ठे लगाने भी तो पड़ेंगे, मेरे 10,000 की वीसी निकली, अब उसमें से 5,000 तुझे दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मैं कौन सा खाने के लिए मांग रहा हूँ, जो पैसे लगाएंगे वो वापस भी तो आ जाएंगे ना, फायदा भी होगा। अच्छा सोचूंगी, बस मैं जगह की बात कर लूंगा आज, ठीक है अम्मा? एक तो तेरे दिमाग में कोई बात घुस जाए ना तो निकलती नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है। कल आपने कचरा किसी और के घर के सामने क्यों फेंका? क्या आप अपने घर में कोई भी चीज खाते हैं और उसका कचरा ऐसी रूम में फेंक देते हैं? सफाई निस्तेमाल है। ये मीडिया वालों को भी ना अगस्त के महीने में खाली पाकिस्तान याद आता है, 11 महीने ने कोई फिक्र नहीं होती, सब ड्रामा है, दुकानें चमका रहे हैं। ओ भाई, जहाँ बैठे हो वहीं थूक रहे हो, यही तो बता रहे टीवी पे कि ऐसा नहीं करते। चल पाकिट, जज्बाती ना हो, उठ ले यहाँ से। चल कायदे आजम ना बन, चल जा यहाँ से बेभाग। छोले बेचने वाले तनवीर के दिल में अगर झंडियों का स्टॉल लगाने की तमन्ना जागी थी तो इसकी वजह सिर्फ रोजगार नहीं था, बल्कि उसके दिल में कहीं ये ख्याल आया था कि उसे भी सब्ज हिलाली परचम से किसी तरह जुड़ना है। शायद उसके लाशऊर में ये बात भी थी कि वो भी सब्ज नहीं हो सका है, उसे होना है। अरे वाह, स्टॉल लगा रहे हो, जबरदस्त, मैं भी आऊंगा तुम्हारे स्टॉल पर। ये जो राडू मार्केट है ना, बस यहीं लगाया है। राडू मार्केट? अरे वो तो मेरे घर से बहुत नज़दीक है। तुम आना मेरे स्टॉल पे, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूँगा, जो चाहिए ले लेना। थैंक यू यार। अच्छा यार राहिल, तुम्हारे स्कूल में जो फंक्शन हो रहा है, क्या मैं भी आ सकता हूँ उस दिन? मेरा बड़ा दिल है मैं तुम्हें देखूँ कायदे आज़म की तरह बोलते हुए। मैं कोशिश करूँगा, पूछूँगा स्कूल में, शायद हो जाए। चलो मैं जाता हूँ, पापा आ गए। तुम क्यों उस बच्चे के साथ खड़े थे? स्कूल में मेरा इंतजार करना चाहिए था ना। नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हुआ था। तुम उससे वो खराब चीजें लेकर तो नहीं खाते हो? नहीं नहीं, आइंदा मैं तुम्हें इसके साथ ना देखूं। जी हाँ भाई, तुम्हें बैच चाहिए ना? हाँ मैं तुम्हें बैच दिलाऊं। मेरे पसंद का बैच? हाँ हाँ, अपने पसंद का देखो कौन सा चाहिए। ये वाला। ये वाला कितने का है बेटा? ये 15 रुपए का अंकल। 15 रुपए का? इतना सा बैच 15 रुपए का? अंकल मुझे तो ये पड़ता ही 12 रुपए का है, चले आप 12 रुपए ही देते हैं। अच्छा बेटे ये बताओ, स्कूल जाते हो? नहीं अंकल, 3 क्लास तक पढ़ा है मैंने, उसके बाद अब्बू का इंतकाल हो गया था। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान का मतलब भी पता है या बस बेच बेच रहे हो जैसे सब बेच रहे हैं? पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, अब इस पे कैसे झूठ बोलूंगा मैं? बेटे ये सब कितने के हैं? ये 110 रुपए का पैकेट अंकल। दे दो, लो बेटा लो। वाओ दादा, ये तो बहुत सारे हैं, मैं तो ये मैं अपने दोस्तों को भी बांटूंगा। हाँ अपने दोस्तों को भी बांटना, ये लो बेटा 100 और 110। बहुत शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, आ बेटा। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता लेकिन उसको ये भी पता है कि क्या है पाकिस्तान, हैं? अरे अम्मा, आज पूरे 3,000 का माल बिक गया,
अभी तो 2 दिन है, देखिएगा पूरे पैसे वापस आ जाएंगे और मुनाफा भी। अच्छा ठीक है, लेकिन तू वहाँ ज़रा ख्याल से रहना, कम उम्र है, लोग पागल बनाते हैं। ऐसे कैसे पागल बनाएंगे अम्मा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बस। मैं जो कह रही हूँ ना तू वो सुन ले, चल जा, जाके मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। लाइए दे पैसे मुझे दे। अरे हाँ अम्मा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं ना 14 अगस्त के फंक्शन में जाऊँगा, स्कूल में होगा। कौन से स्कूल में होगा और तू कैसे जाएगा? अरे अम्मा, जिस स्कूल के बाहर मैं बैठता हूँ ना उस स्कूल में होगा, वहाँ पर मेरा एक दोस्त पढ़ता है, मैंने उससे बात की है, वो मुझे लेकर जाएगा 14 अगस्त के फंक्शन में। अम्मा वो बता रहा था बहुत बड़ा फंक्शन होगा और वो कायदे आजम बनेगा और वैसे ही तकरीर भी करेगा। अच्छा, कायदे आजम बहुत बहादुर और हिम्मत वाले थे, बड़ी मेहनत से उन्होंने पाकिस्तान बनाया है, कभी हार नहीं माने। हाँ अम्मा, और उसने बताया कि कायदे आजम ने क्या क्या कहा। अम्मा मैं ज़रूर जाऊँगा फंक्शन में। अच्छा चले जाना, मगर अभी तो जाके मुँह हाथ धो ले, चल जा, मैं खाना गर्म करके लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ खाएं। और इस दफा मैं कायदे आजम का रोल प्ले कर रहा हूँ। कायदे आजम बनोगे तुम? काम काम और सिर्फ काम, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। रिश्वत ने हमारे मुल्क की वाट लगा दी है, हमें बेईमानी और फरेब की आदत छोड़नी पड़ेगी। सर की टोपी से लेके पाँव की जूती तक हर चीज में हमें लूटा जा रहा है। जहाँ मैं ठेला लगाता हूँ उससे कुछ दूर आगे गटर से गंदा पानी उबल रहा है, सड़कों पर कचरे का पहाड़ है, बाहर निकलो तो जान का डर, घर आओ तो मच्छर काटने को बैठे। भिखारी से लेके सियासतदान तक सब मगरमच्छ बने हुए हैं। क्या ऐसा पाकिस्तान बनाया था कायद ने? पापा मैं ये वाला झंडा लूंगा। राहिल बेटा तुम इतना बड़ा झंडा खरीद के क्या करोगे? भाई मुझे तो भाई ये लेना। भाई जब वो कह रहे हैं तो ले लेते हैं ना, झंडा कौन सा रोज रोज खरीदना होता है। अच्छा भाई झंडा कितने का है? ये 450 का, लेकिन आपके लिए सिर्फ 400, आपसे थोड़ी ना मुनाफा लूंगा। क्यों, मुझसे मुनाफा क्यों लोगे? राहिल तो मेरा दोस्त है ना। दोस्त? अच्छा तो यही वो लड़का है जो ठेले बेचता है? जी पापा। अच्छा तो ये है तुम्हारा दोस्त, इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? नहीं नहीं पापा, वो तो बस मैं। अच्छा अब छोड़े ना, रोज रोज थोड़ी खरीदना होता है झंडा, किसी से भी खरीद लेते हैं। ठीक है भाई उतारो। इसे पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आता किसने कैसे किसी लड़कों के साथ दोस्ती कर रखी है। छोड़े ना बस, अब आइंदा नहीं मिलेगा उससे। अबे रोक रोक, वो देख स्टॉल लगा हुआ। अबे लड़के, अबे किसकी इजाजत से लगाया ये स्टॉल तूने? वो एक साहब थे पुलिस वाले, उनको बता दिया था मैंने और पैसे भी दे दिए थे। साहब? अबे यहाँ तो अमी साहब हैं, तूने किस साहब को बता दिया? अच्छा चल छोड़, पैसे निकाल और बैठा रहे तू यहाँ पे। अब नहीं दूंगा पैसे, एक बार रिश्वत दे दी ना हो गई गलती, अब नहीं करूंगा। अबे ओ मटर के दाने, अबे साले मेरे सामने जबान चलाता है तू, तेरे बाप ने सिखाई होंगे ये बातें तुझे? बाप तो मुझे सिखाने से पहले मर गया था, ये बातें कायदे आजम ने बताई हैं। अबे ओए कायदे आजम का फोटो तो मांग रहे जो नोट पर होता है। अब नहीं दूंगा, कह दिया ना मैंने, बस पहले दे दिए अब नहीं। अबे ओ चल तेरी ऐसी की तैसी, एक तो नाजायज जगह पे बैठा हुआ कब्जा करके दूसरा जबान चलाता है, अबे तेरे बाप की फुटपाथ है क्या? फुटपाथ तो किसी की भी बाप की नहीं है, हुकूमत की है। अच्छा तुझे सारा कानून सिखाता हूँ ना, चल तू थाने ले इसको, ले चल। चलो बेटा बैठ इसको, कानून सिखाएगा, कानून सिखाना तुझे, चल
चल चल। अरे भाई आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे तनवीर को पुलिस उठा के ले गई। क्या बक रहा है तू? तुझे कुछ पता है कहाँ लेकर गए? पुलिस से बदतमीजी की थी। लो मेरा बच्चा। बिगलता हूँ ना तेरी अकड़ में। साले मुझे बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैंने किया क्या है? कौन सी गलत बात की है? तुझे अंदर कर दिया लेकिन तेरी अकड़ नहीं निकली और बकवास नहीं बंद हुई तेरी। चुप कर जा वरना ऐसी कैसी हो जाएगी तेरी। सारा छिटाक भर का है और मुझसे जबान चलाता है भरे बाजार में। इस जबान को काबू में रख, किससे क्या बात करनी समझ नहीं तुझे? शेफ देख ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, समझ गया? यस सर। ठीक है आंखें नीचे कर न दूंगा कान के नीचे। अच्छा ठीक है लेकिन वहां जरा ख्याल से रहना, कुछ पैसे ले लो मेरे बच्चे को छोड़ दो, उससे गलती हो गई माफ कर दो उसे। जब देने दे पैसे, वो साहब के सामने एड़ रहा था। देख लो साहब अगर कुछ हो सके तो। अब कुछ नहीं हो सकता, साहब ने पर्चा कर दिया और वो जा चुके हैं। कल 14 अगस्त से सब बंद है। हमें 1000 रुपये देने में उसे मौत आ रही थी। अब देना वकील को पैसे जमानत के लिए, तुम लोग को समझते ही नहीं हो। साहब दो दिन वो यहाँ कैसे रहेगा? छोटा बच्चा दर्द का हो। साहब मैं आ छोड़ूंगा। अरे कानून भी कोई चीज है, ऐसे कैसे जाने दे? परसों आना जाओ। साहब खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब, वो नहीं रह सकते यार। साहब कह दिया ना परसों आकर ले जाना बच्चे को। शुक्र करो साहब ने चोरी का केस नहीं बनाया। अब मजीद कुछ कहा ना अगवा और कत्ल का केस बन जाएगा। हल्का समझा लोगों ने पुलिस को। अब अगर बच्चे की भलाई चाहती हो ना तो चली जाओ यहाँ से, वरना केस बनाना साहब के बाएं हाथ का खेल है। साहब मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। क्या करोगी मिलके उससे? वैसे भी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। एक बार मुझे मिलने दीजिए, मुझे मेरे बच्चे से, मैं चली जाऊंगी। अब एक काम करो, 1000 रुपये दो, चुपचाप मिल लो। लेकिन कि तुझे 2 दिन से पहले नहीं छोड़ेंगे। पर्चा काट दिया। नहीं अम्मा, अम्मा ये झूठ बोल रहा है पुलिस वाला। अम्मा अम्मा मुझे लेके चल, अम्मा मुझे जाना है, अम्मा कल स्कूल जाना है अम्मा मुझे, प्लीज अम्मा लेके चल मुझे। तू इनको पैसे दे देता ना बेटा, यहाँ रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता। अम्मा मुझे नहीं पता, अम्मा लेके चलती हूँ, मैं नहीं रह सकता अम्मा। कल 14 अगस्त है, लेके चल अम्मा मुझे, खुदा का वास्ता अम्मा लेके चल यहाँ से। अम्मा कुछ कर अम्मा, लेके चल मुझे अम्मा, लेके चल अम्मा। मगर 14 अगस्त लेके चल, खुदा का वास्ता अम्मा मुझे लेके चल यहाँ से।
साले कंगले कहीं के शहर में बाइक चलाते हो बगैर साइलेंसर के और जेब में टका नहीं है। सर बात तो सुने। अभी निकालो तेरी आजादी में अभी। बात सुने का बच्चा। और मैं तो उससे कहा था कि बाइक रोक ले, लेकिन दोनों भगाई क्यों? अब तभी वो तब गया। अबे छोड़ बे भगा, भाई को मैसेज मैंने उसी टाइम कर दिया था, भाई आ रहे होंगे, जवाब भी आ रहे। अम्मा मुझे यहाँ से लेकर चल। अम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना। अम्मा 14 अगस्त से कल अम्मा मुझे फंक्शन में जाना है। अरे सर बच्चे हैं, गलती हो गई, जाने दें। ओ ठीक है लेकिन इनसे कहो ख्याल रखा करें। अगर तुम्हारे भाई है तो हमारे भी कोई दुश्मन नहीं है, तो पुलिस को देख के भागा ना करें, तभी मीटर शॉर्ट होता है हमारा। सॉरी बोलो सर को। सॉरी सर। ठीक है कोई नहीं, जाओ अभी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दस दफा तुम लोगों को मना किया, तुम लोगों की बात समझ में नहीं आती, बाइक की चाबी उठा के पीछे से निकल जाते हो। साकल है का एक अजीम तोहफा है। इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे हकूमत इस मुल्क के साथ एक नेक नियती के साथ चलते रहें, हमें इस मुल्क को खुशहाल बनाना है तो अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखसूस गरीब तबके की फलाह व बहबूद के लिए हमें काम करना होगा। पाकिस्तान खुदा का एक अजीम तोहफा है। हमें इस मुल्क को खुशहाल बनाना है तो अपनी पूरी तवज्जो लोगों बिलखसूस गरीब तबके की फलाह बहबूद के लिए हमें काम करना होगा। क्या बात है, ये हमारे मुल्क की पुलिस है, शहर में अमन की जमानत। ये अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। पाकिस्तान सब सब तुझे कहा था ना कल कोर्ट जाके जमानत कराना, आज सब बंद है। सब मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझ पर रहम करो। आज कुछ नहीं हो सकता, जो होगा कल होगा। सब ये मुल्क सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक नज़रिया है और हम सब इसके मुहाफिज हैं। इस मुल्क में हर अमीर को हर गरीब का और ताकतवर को कमज़ोर का ख्याल रखना होगा। ये कहने का क्या फ़ायदा कि हम सिंधी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं? नहीं, हम सब मुसलमान हैं
और इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। पाकिस्तान किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की पहचान इंसाफ का आला मायार होता है और हमें फख्र है कि हमारी अदलिया आज़ाद है और आवाम को इंसाफ फराहम कर रही है। याद रखो, तहरीक आज़ादी में आवाम खामोश नहीं थी और इसीलिए पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान आज भी अगर करप्ट निज़ाम का खात्मा करना है तो खामोशी तोड़नी होगी, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन के साथ हक की आवाज़ बुलंद करनी होगी। पाकिस्तान फिर देखिएगा, तब्दीली यकीनी होगी। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान उसको देखो, उसको जरा समझाओ कैसे रहना होता है, कैसे बात करनी होती है पुलिस से। कानून सिखा रहा था मुझको, उसको पता नहीं है कानून को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। साहब मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। हाँ भाई, अकल आ गई तेरी ठिकाने, निकल गई सारी हेकड़ी। वो पर्चा ठीक है संभाल लूंगा सब कुछ, तू जा निकलने की कर। अब हसन आइंदा ख्याल रखियो, चल निकल, चल। यार क्यों फिक्र कर रहा है? बोल क्या मिला तुझे? जो लगाया था सब बर्बाद हो गया और जो बचा वो तुझे छुड़वाने में लग गया। बोल तुझे क्या मिला? लेकिन अम्मा उस पुलिस वाले ने ज्यादती की। तनवीर को 15 अगस्त की शाम आजादी नसीब हुई। 14 अगस्त जब सारी कौम आजादी मना रही थी, तनवीर कैद में था एक ऐसे जुर्म के लिए जो उससे सरजद नहीं हुआ था। आज़ादी अगर एक ज़मीन का टुकड़ा अपनाने का नाम था तो वो तो मिले हमें ज़माना होगी, लेकिन वो आज़ादी जो हमें अभी अपने ही लोगों से लेनी है, उसके लिए अभी बहुत सफ़र करना बाकी है।